हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ फैशन विद चेतना. और आज का वीडियो जो है कुछ हटके होने जा रहा है. वैसे वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा. तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि मेरे जो ये लॉन्ग बॉब हेयर कट है वो मैंने कैसे किया है. आई मीन मैंने नहीं किया है, ये मेरे हस्बैंड ने हेयर कट किया है. तो अभी जो पैंडमिक चल रहा है उसके चलते हुए हम लोग ना तो पार्लर वगैरह नहीं जा रहे. वैसे अभी स्टार्ट हो चुका है बट मेरे को थोड़ा सा फियर है इसलिए मैं नहीं जाती हूँ. तो मैंने घर पर ही अपना हेयर कट करवाया है. तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग भी अगर ऐसा पार्लर वगैरह या सैलून नहीं जाना चाहते हो तो घर पे अपना हेयर कट कैसे कर सकते हो. तो वीडियो को कंटिन्यू देखना एंड तक, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक ट्रिमर और सीजर और नॉर्मल ड्रायर और स्ट्रेटनर की हेल्प से आप अपने बालों को अच्छा सा बना सकते हो घर बैठे. तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा गाइज. सो लेट्स स्टार्ट. तो अभी मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है और अपने बीच में से बालों को जो है डिवाइड कर लिया है दो सेक्शन के अंदर. और अभी अजय जो है वो मेरे हेयर को अच्छे से कॉम कर रहे हैं, एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे, ताकि कोई अनइवन हेयर ना रह जाए. उसके बाद जितना मैंने उनको मार्क बताया था उसके हिसाब से वो एक सिस्का ट्रिमर हम यूज़ कर रहे हैं. ये हेयर कट ट्रिमर है वो हम यूज़ कर रहे हैं. तो एक स्ट्रेट लाइन में वो ट्रिमर की हेल्प से मेरे हेयर को कट करते जाएंगे. आप चाहें तो ये काम आप सीजर की हेल्प से भी कर सकते हो और ट्रिमर की हेल्प से भी कर सकते हो. अगर आप ट्रिमर से कर रहे हो तो एक स्ट्रेट लाइन में आप बालों को ट्रिम करते जाएं. अगर एंड में कोई अनइवन रह जाता है तो आप उसको सीजर की हेल्प से या अगेन ट्रिमर की हेल्प से भी आप उसको इवन कर सकते हो. तो ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने घर बैठे लॉन्ग बॉब हेयर कट कर सकते हो. तो अभी आपने देखा कि मेरा जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हेयर कट है वो हो चुका है. साइड में से अगर आप देखोगे तो मेरे लेफ्ट साइड में से थोड़े से बाल नीचे हैं और उधर से थोड़े ऊपर हैं. तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप उसको सीजर या ट्रिमर की हेल्प से इवन कर सकते हैं. तो आप देख रहे हो कि अजय उसको बार बार कॉम करके अच्छे से और ट्रिम कर रहे हैं ताकि मेरे सारे बाल जो हैं वो नीचे से इवन हो जाए, एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाए. जितनी भी बार अपना बॉब हेयर कट लिया है हमेशा शॉर्ट ही रखें. इस टाइम मैंने जो है लॉन्ग बॉब हेयर कट रखा है, मुझे थोड़े से लंबे बाल चाहिए थे इसलिए. आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो. तो इस तरीके से जो मेरे अनइवन हेयर है उनको अच्छे से कॉम करते हुए हम ट्रिम कर लेंगे. और आप चाहें तो सीजर यूज़ कर सकते हो. तो इस तरीके से कॉम की हेल्प से आप ट्रिम करते जाओगे तो आपके बाल जो अनइवन रहे हैं वो इवन हो जाएंगे. आप देख सकते हैं कि मेरा जो लॉन्ग बॉब हेयर कट था वो ऑलमोस्ट हो चुका है. अब मैं ड्रायर की हेल्प से अपने हेयर को अच्छे से ड्राई कर लूँगी. उसके बाद मैं यूज़ करूँगी स्ट्रेटनर ताकि मेरे बालों को मैं अच्छे से स्ट्रेट कर लूँ और मेरा हेयर का जो अच्छा हेयर कट का जो अच्छा सा लुक है वो आपको दिख सके. तो मैं यहाँ पर अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ. तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से स्ट्रेट कर रही हूँ. आपको थोड़े थोड़े बाल लेकर बालों को अच्छे से स्ट्रेट करना है नीचे तक ताकि आपके बालों का लुक जो है वो अच्छे से आए, हेयर कट एकदम प्रॉपर दिखे.
तो आप ये देख सकते हो मेरा लॉन्ग पॉप हेयर कट, आपको कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट करके बताना मुझे, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो गाइज, अगर आप लोगों के लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलना गाइज। और जो यहाँ पे मैंने ट्रिमर यूज़ किया है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइज। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज, बाय बाय।